तो देखा आपने कितने आसान तरीके से ये मैंने पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट कर दी अपनी एक सेल्फी जो पड़ी हुई थी उससे। दोस्तों हमारे साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई ऑनलाइन पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने की जरूरत होती है लेकिन उस समय पर हमारे पास में फोटो अवेलेबल नहीं होती है। तो उस एमरजेंसी यूज के लिए आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी इमेज के साथ में प्रोफेशनल दिखने वाली पासपोर्ट साइज पिक्चर बना सकते हैं। और हाँ, इस ट्यूटोरियल के लिए आपको फोटोशॉप आना जरूरी नहीं है। दोस्तों मेरी कैनवा सीरीज का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको आसान तरीके से आपके रोजमर्रा के काम सिखा पाऊं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और डायरेक्टली लेकर चलता हूं आपको अपनी कैनवा स्क्रीन के अंदर। ऑलराइट, सो हमने पहले यहां पे कैनवा ओपन कर लिया है और यहां पर एज यूजुअल हम लोग लेंगे एक नया डिजाइन। और इस बार जो मैं डिजाइन लेने वाला हूं वो थोड़ा सा बड़ा होगा जो हमारी पासपोर्ट साइज फोटो होती है उसके अकॉर्डिंग। वैसे हमारी पासपोर्ट साइज फोटो का साइज क्या होता है आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, क्योंकि हर कंट्री की पासपोर्ट साइज फोटो का अलग अलग साइज होता है। हमारी वाली का क्या साइज है इससे पहले मैं आपको बताऊँ आगे ट्यूटोरियल में, आप फटाफट नीचे कमेंट्स करो बिना गूगल की। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करेंगे। ये सेम चीज आप मोबाइल में भी फॉलो कर सकते हो। क्रिएट अ डिजाइन पे मैं एक रैंडम डिजाइन बनाता हूँ, कस्टम साइज पे क्लिक करके 1920x1080 इसकी हाइट रखूंगा जो कि हमारा फुल HD डिजाइन होता है। ये रैंडम साइज इसलिए बनाया क्योंकि मैं इसको बाद में रिसाइज करने वाला हूँ, जस्ट एक ट्यूटोरियल के पर्पज से आपको सब कुछ क्लियरली दिखे, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मान लेते हैं कि मेरे पास में कुछ इस तरह की फोटोग्राफ्स पड़ी हुई है जिनसे मैं कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे हमारे पास में सेल्फीज होती हैं, फोटोज होती हैं बाहर की कहीं की, तो कुछ इस तरह की फोटो है। बस एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो मेरी नेक है ना वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, बाकी पार्ट कुछ भी हो, बैकग्राउंड जैसा भी हो, डजंट मैटर, सिर्फ मेरी नेक क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, बस ये मैटर करता है। वैसे तो आप एक सेल्फी खींच सकते हो अच्छी नेचुरल लाइट के अंदर, बट मेरे पास में यहाँ पे जो अवेलेबल फोटो है ना मैं उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सेल्फी खींचने से क्या रहता है ना कि आप अच्छे से बाल वाल सेट करके और एकदम स्माइल जैसी आपको चाहिए होती है एज पर द फॉर्म, क्योंकि कुछ फॉर्म्स में पहले से मेंशन होता है कि आपको ज़्यादा नहीं हंसना है, नॉर्मल हंसना है, स्माइल रखनी है, तो वो सब डिटेल्स जो है ना वो आप देखकर अपने उसके अकॉर्डिंग फोटो कैप्चर कर सकते हो। तो जैसे मान लो मेरे पास में अभी ये वाली पिक्चर है, तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, एडिट इमेज पे जाऊंगा, यहाँ पर BG रिमूवर टूल है इस पर सेलेक्ट करूंगा। ये BG रिमूवर टूल आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा कैनवा प्रो के अंदर या कैनवा टीम्स के अंदर। मैं कैनवा फॉर एजुकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि कैनवा प्रो जैसा ही है और एकदम फ्री वर्जन है। अब ये कैसे एक्टिवेट करना है और आप भी कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि मेरे चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगी, तो आप उसको देख लेना, मैं उसका लिंक भी अटैच कर दूंगा नीचे, आप उसको देख लेना, बड़ी आसानी से आप कैनवा फॉर एजुकेशन फ्री में ले सकते हैं। तो बात करते करते हमारा जो बैकग्राउंड है वो बड़ी आसानी से रिमूव हो गया BG रिमूवर टूल से, लेकिन हमें सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना है, हमें बाकी का पार्ट भी रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इरेज पे मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं अपना साइज ब्रश का बड़ा करके थोड़ा सा और इरेज करना शुरू कर दूंगा अपने बाकी बॉडी पार्ट को। अब थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा साइज छोटा करना है और जो नेक वाला पार्ट है इसको मैं इस वाले स्लाइडर से जूम इन कर लूँगा यहाँ से। अब जो नेक वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ध्यान से मुझे कटआउट निकालना है, तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा। बाकी डरने की कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा रफ़ होगा तो भी चलेगा, ऐसे आपको एकदम प्रिसाइज वाला कटआउट नहीं चाहिए। मैंने जो माउस का लेफ्ट क्लिक किया उसको होल्ड करके रखा हुआ है इसलिए ये इरेज करता हुआ जा रहा है। अब ये एकदम बढ़िया से इसको हम इरेज कर लेंगे। तो हमारी जो नेक लाइन है ना वो ऑलमोस्ट सही से विजिबल हो गई है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और क्लीन कर लेता हूँ मैं। इसके बाद में यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके देख लूँगा, मेरी नेक एकदम क्लियरली विजिबल है, इसको मैं कर दूँगा डन। और यहाँ पर अप्लाई करना ना भूलें आप, अप्लाई पर क्लिक कर दूँगा और ये अप्लाई हो चुका है। अब ये जो पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको हम क्रॉप कर लेंगे यहाँ से, इसको मैं ड्रैग करूँगा ये इधर आ जाएगा, यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा ये इधर आ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, और ऊपर से नीचे ड्रैग कर दूँगा तो जो एम्प्टी स्पेस था वो हो गया ख़त्म। अब देखो हमें हमारी नेक का कटआउट मिल चुका है, अब हमें कपड़े चेंज करने हैं। तो मैं नीचे सर्च करूँगा एलिमेंट्स पे जाकर सूट लिखूँगा मैं यहाँ पे SUIT, और इसके बाद मैं जाऊँगा फ़ोटो के अंदर। अगर ग्राफिक्स में जाऊँगा तो हमें रियलिस्टिक सूट नहीं मिलेंगे, मैं फ़ोटो में जाऊँगा ना तो यहाँ पर मुझे रियलिस्टिक सूट का कटआउट मिलेगा। मेरे पास में दो ऑप्शन है, एक थोड़ी सी टेडी कॉलर के साथ में है और दूसरा वाला ब्लैक है, तो मुझे जो भी पसंद आ रहा है वो एकदम ये ब्लैक वाला पसंद आ रहा है। इसका जो साइज़ है उसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। वैसे देखो एक ये वाला भी कटआउट है हमारे पास में, अगर इसके साथ में कुछ लगाना चाहते हो, किसी को फुल चाहिए तो, बट ये वाला अभी हमारे सही है पासपोर्ट फोटो के लिए, इतना परफेक्ट साइज़ है। अपनी जो नेक है वो इसके ऊपर लेकर आऊँगा। और अब आपको किस बात का ध्यान रखना है कि जो ये कॉलर है ना, जो यहाँ पे कॉलर ख़त्म हो रही है, ये बिल्कुल मेरी नेक लाइन के पास में टच हो, यहाँ पर जैसे मेरी नेक लाइन है यहाँ पर टच हो। तो आपको रीसाइज के वक्त इस चीज़ को ध्यान रखना है खासकर। तो मैं धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाता हूँ, और अभी जो मेरी गर्दन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है इसके अकॉर्डिंग, तो जूम आउट करके आपको मैं क्लियरली दिखा पाऊँगा।
तो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा रीसाइज करूँगा, छोटा करूँगा यहाँ पर, और अपनी गर्दन को टच करने की कोशिश करूँगा कुछ इस तरह से, दोनों तरफ से करता रहूँगा जब तक मेरी गर्दन को दोनों के दोनों पार्ट्स टच ना करने लग जाएं। अब मेरी बारी है गर्दन को मूव करने की। अब मैं गर्दन को राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करके देखूँगा जहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ भी इस वाले पार्ट पे मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। मैं इसको माउस से भी मूव करके देख सकता हूँ या थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके भी देख सकता हूँ। ऑल राइट, तो आफ्टर सम फाइनल एडजस्टमेंट्स हमारी जो गर्दन है एकदम बढ़िया सेट हो गई है इसके एजेस के, और ऑलमोस्ट मर्ज हो गए हैं हमारे जो पूरे कॉट के और इसके एजेस है पीछे से, और अब कुछ एक्स्ट्रा बाहर नहीं दिख रहा हमें पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फेस को सिलेक्ट करेंगे ऐसे क्लिक करके और एडिट इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी बेसिक एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ब्राइटनेस इंक्रीज़ करता हूँ, थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद में ब्लर हल्का सा इस तरफ कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इन दोनों का बना देंगे ग्रुप, ताकि ये जो सर है इससे अलग ना हो जाए। अब ये दोनों एक इमेज हो गई है, इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप भी कर सकते हो कभी आपको एडजस्ट करना पड़े तो। तो थोड़ा सा साइज़ इसका मैं इस तरह से करके, अब हम पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट है ना इसको साइज़ कन्वर्ट कर देंगे सीधा, इसको हम लेकर जाएंगे अब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाले साइज़ के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रीसाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक नया साइज़ डालना है। पासपोर्ट फ़ोटो का साइज़ होता है हमारे पास में MM के अंदर लेते हैं हम हमेशा, और 35 और हाइट होती है 45, ये MM के अंदर साइज़ रहती है। तो यहाँ पे मेरे पास में दो ऑप्शन है, कॉपी एंड रीसाइज और रीसाइज। रीसाइज करूँगा तो इसी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देगा, कॉपी एंड रीसाइज करूँगा तो एक नया डॉक्यूमेंट बना देगा। तो हम इसको कॉपी एंड रीसाइज करेंगे, कभी अगर मान लो इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो कॉपी एंड रीसाइज पे क्लिक करने के बाद में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का साइज़ खुल चुका है मेरे पास में। अब मैं यहाँ पर दो चीज़ें ओपन करूँगा, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा फाइल के अंदर, और उसके बाद में सबसे पहले तो मैं क्लिक करूँगा शो मार्जिन्स, और फिर फाइल पे जाऊंगा और क्लिक करूंगा शो प्रिंट ब्लीड्स। अब आपको क्या करना है, जो ये बाहर वाली लाइन देख रहे हो आप, बाहर वाली लाइन से थोड़ा सा अंदर रखना है अपने पोर्ट्रेट को, और साथ साथ मैं चाहता हूं कि मेरी जो फोटो है उसके चारों तरफ एक ब्लैक कलर का बॉर्डर भी हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एलिमेंट्स पे जाऊंगा, यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा रेक्टेंगल, और ये वाला पहले वाला आपको सेलेक्ट करना है बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमारे पास में ऊपर काफ़ी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। तो ये रेक्टेंगल आ गया हमारे पास में, सबसे पहले तो मैं जो इसका कलर है इसको ऑफ कर दूंगा, और इसका जो बॉर्डर है इसको मैं कर दूंगा 1.5, ठीक है, और कलर बॉर्डर का ब्लैक ही रहने देंगे हम। अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा रीसाइज, और रीसाइज कुछ ऐसे करूँगा कि ये जो है बाहर वाली बॉर्डर के हल्का हल्का अंदर आ जाए। जो इसका बॉर्डर का साइज़ है ना, मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, अब ज़्यादा बेटर है। बाहर वाली बॉर्डर से हल्का सा मेरे को अंदर लेना है इसके साइज़ को, और इसको मैं सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से एकदम सेंटर में कर लूँगा। अब देखो दोनों तरफ मेरे पास में आ गए ना। कैनवा की सबसे बढ़िया बात यही है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर है ये ऑटोमेटिकली ले लेगा जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, हल्का सा मूव करके देखा, इसने ऑटोमेटिकली इसको सेंटर में कर दिया। तो सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट करके पोजीशन पे जाके इसको बैकवर्ड कर दूंगा, ताकि जो मेरी फ़ोटो है वो सिलेक्ट हो सके। अब मैं इसको लॉक कर सकता हूँ। अब मैं अपनी फ़ोटो के ऊपर जाऊँगा और इसको मैं करूँगा यहाँ से रीसाइज चालू करना। अब मेरे को बस ध्यान रखना है कि इस बॉर्डर से ना बाहर ना जाए मेरा रीसाइज। तो इसको मैं पूरा रीसाइज कर दूँगा, और मेरे को अपना जो सर है वो रखना है नीचे वाली मार्जिन से नीचे नीचे। जो ये वाली लाइन्स दिखाई दे रही है आपको, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। जो एक मिनट हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, जो जैसे ये वाली लाइन्स है ना, जो ये लाइन अगर आप देख पा रहे हैं अंदर वाली, इसके ना बिल्कुल हल्का सा यहाँ तक मेरे को सर रखना है, पूरा ऊपर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर रूम दिखना चाहिए। इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, हल्का सा इसको मैं नीचे रखूँगा सर को, बस ऐसे। अब देखो, अब जो बॉर्डर है ना ये यहाँ तक हमें चाहिए, इसके आगे नहीं चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर पर सेलेक्ट करके इसको अनलॉक करूँगा पोजीशन, और फॉरवर्ड कर दूंगा इसको मैं। अब उसके बाद में मैं क्या करूँगा, जो मेरा जो पीछे वाला जो सब्जेक्ट है इसको मैं सबसे पहले यहाँ से अनग्रुप करूँगा, और अब क्या करूँगा, जो नीचे मेरा सूट है ना इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको क्रॉप करना शुरू करूँगा साइड से, एंड बिल्कुल यहाँ तक कुछ इस तरह से। नीचे वाला तो हो ही रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब जूम इन करके देखो आप, बिल्कुल ये बॉर्डर्स पे इसके फिट हो गया है। अब इसको मैं आपको रीसाइज करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो लगने वाली है। अब हम फाइल पर जाएंगे, शो मार्जिन को बंद कर देंगे, शो प्रिंट ब्लीड को बंद कर देंगे। तो ये हमारी जो फाइनल फ़ोटो है ये बनके तैयार है। अब इसको आप यहाँ से शेयर पे क्लिक करके, डाउनलोड पे क्लिक करके, और एज अ JPG फाइल क्वालिटी 100% करके डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से कभी भी अगर आपको साइज़ बढ़ाना हो इस इमेज का तो बढ़ा सकते हो, और फिर बस डाउनलोड पे क्लिक करना है,
और ये आपकी फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मेरे पास एक पासपोर्ट साइज फोटो हमेशा अवेलेबल है, इसको मैं अपनी ड्राइव के अंदर सेव करके रख सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी पासपोर्ट साइज फोटोज बनानी सीख पाए बिल्कुल आसानी से। इसके साथ साथ मुझे नीचे कमेंट में बताना कि अगली चीज़ आप क्या सीखना चाहते हैं जो आपको मुश्किल लगती है, या ऐसा कहें जिसके लिए आपको फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट रहती है। मैं उस चीज़ को आसान तरीके से कैनवा के अंदर आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा।